जिस व्यक्ति में समता होती है उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी सिचुएशन क्या होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है। अच्छे की परिभाषा आप किससे लगाते हैं? कोई हंसता हुआ आदमी होगा तो उसे भी आप अच्छा कहोगे, है ना? शांत हो, कैसा हो? ना वो हंस रहा हो, ना वो रो रहा हो, ना वो क्रोध कर रहा हो, ना उसके चेहरे पर अभिमान के भाव हो, ना उसके चेहरे पर भय के भाव हो, ना उसके चेहरे पर ग्लानि के भाव हो, ना उसके चेहरे पर प्रेम के भाव हो, ना उसके चेहरे पर द्वेष के भाव हो, उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो। कोई चीज मिल रही है, समता। नहीं मिल रही है, समता। मिल रही थी तो भी मुस्कुराहट थी, और नहीं मिल रही है तो भी मुस्कुराहट है। इसका नाम है समता। जिसमें कषाय ना हो वो है समता। ये इंसान को ऊपर नीचे करने वाली कौन होती है? कषाय। और कषाय के हटते ही क्या आ जाती है? समता आ जाती है। तो जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है समता। इस जीवन का निचोड़ कहें, आपने क्या प्राप्त किया है वो है समता। लेकिन होता यूं है कि आकुलता ही आकुलता रहती है जीवन में। धर्म किया, अरे बोलिए ना, धर्म किया, क्या मिला धर्म से? क्या मिला? समता आई कि नहीं आई? यदि नहीं आई तो कुछ नहीं मिला, और यदि आ गई है तो कहना बहुत कुछ मिल गया। समता आ गई, बहुत कुछ मिल गया, और समता नहीं आई तो रिजल्ट जीरो। जैसे परीक्षा होती ना, परीक्षा में खूब लिखा, खूब लिखा, खूब लिखा, लेकिन जो लिखना था बस वो नहीं लिखा, जो लिखना था वो नहीं लिखा, बाकी सब कुछ लिख दिया। जो प्रश्न का उत्तर मांगा था वो नहीं दिया। अब बताओ रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। आपने पूजा भी करी, अभी तक आपने पूजा कर करके कितने बोरे चावल चढ़ा दिए, कितने श्रीफल चढ़ा दिए, कितने आपने बादाम चढ़ा दी, हैं? कितनी चटक चटक करके चटक चढ़ा दी, हैं? क्रोध चटका कि नहीं चटका? मान चटका कि नहीं चटका? लोभ चटका कि नहीं चटका? वो नहीं चटका, चटक चढ़ा दी लेकिन वो नहीं चटका। इतना मजबूत पत्थर है मान का, उसको चटकाने में इस चटक से ज्यादा भावों की मेहनत लगेगी। ये बाहर की चटक जो है ना, वो केवल जो चढ़ाते हो पूजा में, चटक चढ़ाते ना, जो वो चढ़ाते हो वो चटक तो बाहर की इतनी काम नहीं आएगी जितनी भावों की चटक काम आएगी। तो पूजा करी आपने, कितने बार मंदिर गए बचपन से अभी तक? खूब मंदिर गए हैं। मिला क्या? रिजल्ट क्या? इंसान तो रिजल्ट देखता है। बच्चे ने कितने घंटे पढ़ा, कितने घंटे नहीं पढ़ा, कितने घंटे उसने क्या किया, कंपनी वालों को इससे मतलब नहीं है। रिजल्ट लाओ, तुम्हारा रिजल्ट क्या है, उसमें नंबर कितने आए वो बताओ आप तो मुझे। ओरल इंटरव्यू तो बाद में होगा, पहले तो तुमने राइटिंग में क्या किया है, पहले राइटिंग से तुम्हारा दिमाग पढ़ा जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट पढ़ा जाएगा। रिजल्ट बताता है कि तुमने कितना पढ़ा है, रिजल्ट बताता है कि तुम कितने होशियार हो। ऐसे ही तुमने धर्म कितना किया है उसका रिजल्ट मिलेगा समता से। किससे मिलेगा? समता से। आप जरा जरा सी बात में आकुल व्याकुल तो नहीं हो जाते हैं? आपके अंदर जल्दी से परिणाम आपके बिगड़ के जल्दी क्रोध में उतावले तो नहीं हो जाते हो? जरा जरा सी बात में आपको बुरा तो नहीं लग जाता है? जरा जरा सी बात में आप नाराज तो नहीं हो जाते हो? यदि होते हो तो समझना आपने अभी धर्म नहीं किया है।
जरा से विपरीत निमित्त मिलने पर आप क्रोधित हो जाते हो तो समझना भी आपने धर्म नहीं किया है। एक औपचारिकता निभाई है मगर धर्म नहीं किया है। यदि डब्बे में गर्म पानी होगा तो डब्बा बाहर से कैसा होगा? गर्म होगा। और ठंडा पानी होगा तो ठंडा होगा। अब तुमने डब्बे में तो पानी ठंडा है और ऊपर से तुम कह रहे नहीं हमने धर्म तो बहुत कर लिया। भाई जैसा पानी होगा डब्बा वैसे ही तो होगा। धर्म करने का रिजल्ट क्या है? शांति, समता, धैर्य, सहनशीलता। यदि ये चीज आपके अंदर आ गई है तो समझना आपने धर्म करना सीख लिया है। अब मैं बता रही थी कि प्रथमानियों के ग्रंथ क्या सिखाते हैं तो समता सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? समता। हमारे महापुरुष थे, उनके जीवन में संकट आए, उनके जीवन में परेशानी आई, उन्होंने कष्ट सहन किए लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई। जो भी संकट सहन किए समता भाव से सहन किए, चाहे समुद्र में धकेल दिया हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते पार हो गए, चाहे जंगल में भेज दिया हो तो नमोकार मंत्र पढ़ के ध्यान करके और वहां भी अपने षट आवश्यक का पालन करके और अपने जीवन को आराम से बिताया, वहां भी वो परेशान नहीं हुए। जिस व्यक्ति में समता होती है वो कहीं रहे परेशान नहीं होता है, और जिस व्यक्ति में समता नहीं होती है वो जरा जरा सी बात में परेशान हो जाता है। और समता यदि है तो जंगल में भी खुश, समता नहीं है तो महलों में तुम्हारी ज्वेलरी से तुम्हारे तिजोरी भरी पड़ी है, नोटों से तिजोरी भरी पड़ी है, पहनने के 100 तरह के कपड़े हैं, 100 तरह की सैंडल हैं, 100 तरह की चप्पल हैं, 100 तरह के हार हैं, फिर भी सुख नहीं। कारण समता नहीं है। सुख कहाँ है? समता में है। यदि इन बाहर की चीजों में सुख होता तो हमारे तीर्थंकर इन सब चीजों को छोड़ करके नहीं जाते। अभाव में भी जिसको सुख मिल गया, अभाव में भी जिसके भाव शांत हैं, वो धर्मात्मा। क्या? अभाव में भी जिसके भाव शांत हैं, परिणाम शांत हैं, आकुल व्याकुल नहीं है, उस वो धर्मात्मा। जिसको दूसरों की कमियां नहीं दिखती हैं वो धर्मात्मा। जिसको दूसरों में गुण नजर आते हैं वो धर्मात्मा। जिसको अपनी कमियां नजर आती हैं वो धर्मात्मा। परिभाषा सुन लो धर्मात्मा की, ये कि मैं आपको वो दे रही हूं, क्या कहते हैं, थर्मामीटर लगाकर देख लो कितने परसेंट धर्मात्मा हो और कितने परसेंट नहीं हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी कि आप धर्मात्मा हैं या नहीं है। आप तो थर्मामीटर लो, लगा कर देखो मैं धर्मात्मा हूं या नहीं हूं। यदि हूं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हूं तो बनने का प्रयास करो। और बनने की शुरुआत कहां से होती है? समता से होती है। मैंने एक बार एक दिन और बताया था, मंदिर गए, पूजा करके आए और आते घर में गुस्सा करने लगे। बच्चे क्या कहते हैं, क्या करके आई हो मंदिर में? यही कहानी पढ़ के आई थी कि वहां ऐसे ऐसे घर जाके क्रोध करना है। मंदिर में बैठ के प्लानिंग कर रही थी कि आते ही क्रोध करना है। इसका मतलब छोटे बच्चे ज्यादा धर्म नहीं समझते हैं, मगर इतना समझते हैं कि जो मंदिर गया है वो शांत होगा, जो मंदिर गया है उसके अंदर समता होगी, जो मंदिर गया है वो क्रोध नहीं करेगा। इतना तो बच्चे भी जानते हैं, जो अभी कुछ भी नहीं सीखे हैं, लेकिन बच्चे भी समझते हैं कि मंदिर जाने पर क्या मिलता है। तुमने बता दिया क्या मिलता है, तुमने तुमने मंदिर को और बदनाम कर दिया, तुमने भगवान को और बदनाम कर दिया कि तुम्हारे भगवान क्या देते हैं, क्रोध सिखा के भेजा है कि तुम्हारे भगवान जी ने? भगवान की मूरत तुमने देखी कहाँ है? भगवान की मूरत तुमने देखी कहाँ है? देखते तो तुम्हें कम से कम समता तो नजर आती। भगवान के चेहरे पर क्या है? समता है। और वो समता तुम लेकर नहीं आए मंदिर में गए। मंदिर क्यों गए थे? क्या लेने गए थे? नहीं, पूजा करने गए थे। क्या करने गए थे? पूजा करने गए थे। और क्या करने गए थे? दर्शन करने गए थे। और क्या करने गए थे? भक्तांबर पढ़ने गए थे। और क्या करने गए थे? माला फेरने गए थे।
फेर ली, हाँ फेर ली। जैसे एक आदमी ने कहा भाई इस घोड़ा को जरा पानी दिखा ला, वो दिखा के ले आया। ऐसे तुमसे कहा जाता पूजा किया करो तो तुम भी पूजा कर लेती हो, भाव नहीं लगाती हो। भाव लगाने के लिए कहा नहीं था ना हमने कि भाव से पूजा करना, इतना ही कहा था कि पूजा करना, जिन वाणी में से पढ़ लेना और अर्घ चढ़ा देना। तो अंदर तो वो पूजा उतरी नहीं और ऊपर ऊपर से पूजा करके आ गए। ये इस बात का रिजल्ट है कि घर आते ही तुम्हारे भाव कैसे हैं। भाई आप शादी में जाते हो तो शादी से लौटने के बाद थोड़े थोड़े दिन तक वो शादी गूंजती है ना दिमाग में, पंडाल दिमाग में दिखता है, खाना दिखता है ना। शिखर जी जाते हो तो शिखर जी जैसे लौटते हो तो थोड़े दिन शिखर जी की चर्चा होती, वही वही बातें होती हैं, ऐसे ही होता ना। आप तीर्थ यात्रा करने जाते हो तो अरे हम पदमपुरा गए थे, अरे हम जहाजपुर गए थे, वहाँ ऐसा था, ऐसा मंदिर है, वहाँ तो स्वर्ग सा लगता है, वहाँ तो मंदिर से निकलने का मन नहीं करता, वहाँ तो ऐसा लगता है। जहाजपुर से लौटोगे तो ऐसे ही बात करोगे, इसका मतलब मंदिर आपके अंदर आ गया। अरे भगवान ऐसे हैं, देखो तो देखते ही रह जाओ है। मन तो ऐसा कर रहा था कि दो चार दिन वहीं रुक जाएं, मगर क्या करें, आना पड़ा, इतना अच्छा लग रहा था। अब वहां से लौट के आए तो आपके दिमाग में क्या भर गया, मंदिर भर गया, भर गया ना। आप रोज अपने मंदिर में जाती हो, क्या लेके आती हो है? जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई। अपने घर के विचार दिमाग में लेके गई थी और घर के विचार लेके वापस आ गई। जो लेने गई थी वो तो लिए ही नहीं। क्या लेने जाते हैं? समता, शांति, सुख, धैर्य, सहनशीलता, समझदारी और ध्यान। सबसे बड़ी चीज ध्यान। भगवान कौन सी मुद्रा में है? ध्यान मुद्रा में है। हे भगवान, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं अपनी आत्मा का, वैसे मैं भी अपनी आत्मा का ध्यान करूंगा, हम भी अपनी आत्मा का ऐसे ध्यान करें। ऐसी भावना लेकर वहां थोड़ी देर ध्यान लगाओ और फिर आके अपने घर में ध्यान लगाओ तो समझना आप मंदिर से लेकर आए हो। मैंने कहा ना कुछ लेकर आना चाहिए, तो वहां की टेबल मत उठा लाना। ये तो माता जी ने कहा था कुछ तो लेके आनी चाहिए भाई मंदिर से, खाली हाथ नहीं आना चाहिए, खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए और खाली हाथ तो कभी टेबल ले आओ, कभी प्लेट ले आओ, कभी घंटी ले आओ, लेकिन नहीं, लेके जाना द्रव्य रूप में है और लाना भाव रूप में है। वो तुम्हारे दिमाग में बस जाने, मंदिर गए थे एक आध दो घंटे तो मंदिर दिखना चाहिए तुम्हें घर में। मंदिर गए थे, आज ऐसे अभिषेक हुआ, आज ऐसा हुआ, आज मैंने पूजा में ऐसा किया, आज मैंने स्वाध्याय में ये पढ़ के आए हमने, आज ऐसा किया, आज माला में ऐसा आनंद आया, तब तो समझना आप मंदिर गए हैं। और मंदिर से लौटते आप घर वाले बन गए तो समझना भी आप मंदिर नहीं गए हैं। आप प्रवचन से उठ के जाते हो तो थोड़ी बहुत आपको फीलिंग रहती कि नहीं रहती है, है ना? बस वही फीलिंग आपको मंदिर से लेके आनी है, वही फीलिंग आपको भगवान के दर्शन से लानी है। यदि वो फीलिंग लेकर आप आते हो तो समझना हमने हमारा काम सफल हो गया। जब शादी की फीलिंग ला सकते हो, बच्चों की फीलिंग ला सकते हो, भाई कोई दादी है कहीं जाती है अपने पोतों को छोड़ के, अपनी पोती को छोड़ के, कितनी याद आती है, आती कि नहीं आती दादी को? आती ना। फिर फोन लगाती है, हैं? फिर फोन लगा लगा के, अरे उसको दिखाना, अरे पोते को दिखा पहले, चल उसका नाम नाम बताओ किसी एक आध पोते पोती का। एक हमारे पास से एक बहन जी आई थी, उनके पोते का नाम डुग्गू था, और जैसे वो देखती थी डुग्गू यहाँ बैठी है, याद किसकी आ रही है? पोते की। ऐसी याद क्या मंदिर से आकर के घर में भगवान की आई है? यदि आई है तो आपने मंदिर के दर्शन किए हैं, और नहीं आई है तो समझना आपने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। बीच में नहीं बोलो, मैं जब पूछूंगी तब बोलना, जब नहीं पूछूं तो नहीं बोलना, केवल सुनना, ठीक है? तो समता, मैंने बताया था प्रथमानियोग के ग्रंथ पढ़ने से क्या मिलता है? समता मिलती है। तो करुणानियोग के ग्रंथ पढ़ने से क्या मिलता है? करुणानियोग में है क्या? पहले तो आपको यही नहीं पता होगा, माता जी ये होता क्या करुणानियोग? ये तो बड़े बड़े ग्रंथ है, साधु लोग के पढ़ने के लिए होते, हम लोग थोड़ी पढ़ते हैं, हम गृहस्थी वाले कहाँ पढ़ पाएंगे,
हम तो अज्ञानी प्राणी माता जी, हम कहाँ ग्रंथ पढ़ सकते हैं। सही बात है, देखो हो गया ना, सही बात आ गई ना। ऐसी महिलाएं भी हैं जो करुणा नियोग में पारंगत हैं। इंदौर में उदासीन आश्रम है, वहां एक पंडित जी हैं, रतनलाल पंडित जी। वहां जितनी आसपास स्वाध्याय प्रेमी महिलाएं हैं, पारंगत हैं स्वाध्याय में, करुणानियों के ग्रंथ यूं पढ़ती हैं, यूं उत्तर देती हैं, कोई प्रश्न कहीं से पूछ लो उनसे, महिलाएं। तो एक देवरानी जेठानी है, वो मेरे पास आई, तो मैंने पूछा आप मैं कितने घंटे स्वाध्याय करती हैं, बोले 2 घंटा सुबह और 2 घंटा रात में, और इसके बाद में बीच बीच में भी मोबाइल में जो प्रवचन आते जिसके मुझे सुनने होते मैं उनके भी खोल के बैठ जाती हूँ। क्या कह रही, 2 घंटा सुबह स्वाध्याय, 2 घंटा शाम का स्वाध्याय, और बीच बीच में भी मोबाइल में सुन लेती हूँ और टीवी में आपके प्रवचन सुनती हूँ। ठीक है, कितना टाइम होगा, 5 घंटे तो हो गए होंगे, 3-4 घंटे तो मान ही लो, है ना, 4 घंटे स्वाध्याय में जा रहे हैं। मैंने कहा फिर घर के काम, बोले हम देवरानी जेठानी सब दोनों साथ में रहते हैं। तो मैंने कहा आप देवरानी जेठानी एक साथ रहो और दोनों की अनबन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बोले माता जी पहली बात तो हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है आपस में एक दूसरे से बात करने की, हम अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं और वो अपने स्वाध्याय में लगी रहती है। हम लोग ज्यादा ध्यान तो और तरफ हमारा जाता ही नहीं है कि हमें लड़ने का मौका मिले, फिर भी 2 बर्तन है, कभी कभी बच जाते हैं, तो क्या करती हो। फिर हम लोग कुछ समय के लिए दूसरे से बोलते नहीं है, लड़ाई नहीं करते, बोलते नहीं थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी जब भूल जाते हैं फिर बोलना शुरू कर देते हैं और फिर अपने फिर स्वाध्याय करने लगते हैं। इसमें हमारे 63 शलाका महापुरुषों का जीवन है। जैसे सीखते हैं ना, कोई ऐसा होता है कि सामने वाले ने गड़बड़ करी, उसको ठोकर लगी तो हम सीख गए भाई उसने ऐसा काम किया था तो वो काम मुझे नहीं करना है, सामने वाले से सीखे ना। ऐसे महापुरुषों की कथा पढ़ने पर हम सीख जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था तो हमें ऐसा नहीं करना है, या उनके साथ ऐसे कष्ट आए थे, उनने समता रखी थी तो हमें भी समता रखनी है। इसीलिए प्रथमान योग ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। प्रथमान योग में 4 अनुयोग आ जाते हैं। जब उनका घर गृहस्थी का वर्णन निकलता है तो प्रथमान योग हो गया, ठीक है, महलों का, राज्य का, वैभव का वर्णन आया, प्रथमान योग हो गया। फिर उनने कैसा आचरण किया तो चरणान योग हो गया। फिर उन्होंने दीक्षा ली, चरणान योग हो गया। फिर ध्यान करके कर्म को उन्होंने नाश किया तो वहां करणान योग हो गया, और आत्मा का ध्यान किया तो द्रव्यान योग हो गया। प्रथमान योग में तो और 4 अनुयोग आ जाते हैं, बाकी अनुयोग तो एक ही एक शिक्षा देते हैं, पर प्रथमान योग तो 4 अनुयोग बना देते हैं। तो शुरुआत प्रथमान योग से करें और उसको कहानी कथा ना समझें, उसको जीवन समझें। जीवन जैसे किसी के जीवन में अभी अभी जो लोग आपके सीरियल के कलाकार हैं तो उनका काम देख के आपको प्रेम होता नहीं होता उनके प्रति। मान लो अपर्णा है तुम्हारी, जब वो खुश होती है तो तुम खुश हो जाते हो और जब वो रोती है तो तुम रोते हो, तो उसके जीवन से जुड़ गई। ऐसे ही जब प्रथमानियों पढ़ोगे तो तीर्थंकरों से जुड़ जाओगे, श्रीपाल से जुड़ जाओगे, मैना सुंदरी से जुड़ जाओगे, हैं श्रेणिक राजा से जुड़ जाओगे, भगवान महावीर से जुड़ जाओगे। दूसरों का जीवन पढ़ने का क्या मतलब है कि उनसे जुड़ना और फिर उनसे शिक्षा लेना। वो समय भी सार्थक हुआ और शिक्षा ली तो वो भी सार्थक हो गई, और समता आई तो जीवन का सार आ गया। तो इसीलिए जीवन में शास्त्र जरूर पढ़ने चाहिए, जरूर पढ़ने चाहिए। और नहीं पढ़ना है तो जो चल रहा है वो चल रहा है, क्या रिजल्ट होगा वो आप जाने। मैंने तो कह दिया, मैंने तो जता दिया, मैंने तो बता दिया, आगे आगे आप जाने और आपकी मर्जी जाने, है ना, यही है ना। फुर्सत सबके पास में है, सबके पास में है। अभी अभी कोई यहाँ पर मतलब 6 घंटे आपको रोज और 10 दिन तक माला फेरनी है और बदले में डायमंड सेट मिलेगा। अरे बोलिए ना,
है, सही है ना? फेरोगे नहीं फेरोगे? आप कहोगे माताजी 6 घंटे तो छोड़ो, आप तो 12 घंटे बिठा लो, 10 दिन ही तो फेरना है, कोई बात नहीं है, डायमंड सेट मिल रहा है, है? तो फुर्सत मिली कि नहीं मिली? किसके कारण? लोभ के कारण। किसके कारण? लोभ के कारण। अब यही फुर्सत आत्म कल्याण की भावना से निकालो कि मुझे पापों से बचना है, मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। बस ऐसी छटपटाहट अंदर में पैदा हो जाए, जितनी छटपटाहट उस हीरे डायमंड के सेट के प्रति है, इतनी छटपटाहट आत्मा के कल्याण के प्रति हो जाए तो टाइम अपने आप निकल जाएगा। अरे बोलिए ना, निकलेगा ना? तो बंधु आओ, जीवन में शास्त्र पढ़ना अत्यंत जरूरी है। शास्त्र नहीं पढ़ते उसमें हम अपना जीवन पढ़ते हैं। शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र में वो लिखा है जो हमें करना है और जो हमें नहीं करना है। शास्त्र में वो लिखा है जो हमें दुख से बचाता है और सुख में पहुंचाता है। शास्त्र में वो लिखा है जो हमारे भावों की शुद्धि करता है। शास्त्र में वो लिखा है जो हमारी आत्मा को संतुष्ट करता है। रसगुल्ला खाने में इतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी, बाहर के जितने और भी पकवान हैं उनको खाने में इतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जो संतुष्टि स्वाध्याय करने के बाद मिलती है। प्रवचन सुनने के बाद संतुष्टि मिलती कि नहीं मिलती कि मैंने कुछ प्राप्त किया है? रसगुल्ला खाने के बाद इतनी संतुष्टि आई कभी? वहां तो प्यास जागती है, एक रसगुल्ला खा लिया, एक और दे दे भाई, है? अब अगले बार आएगा ना तो और लेके आना। हाँ, और जहाँ पदमपुरा जा रहा हो तो वहाँ की रबड़ी लेके आना, मिश्री मिश्री मावा लेके आना, प्यास जागती है, है ना? तो बाहर के पदार्थ दुख के कारण हैं और आत्मा का कल्याण सुख का कारण है। यदि मानव पर्याय मिली, ये शरीर मिला है तो कर लो, वरना अनंत भाव में भटके हैं, ऐसे यहाँ भी भटक भटक के यहाँ से भी चले जाएंगे। और फुर्सत तो कभी मिलने वाली, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से और अपनी आत्मा से। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बच्चों में ताता का, घर में माता का, और जीवन में समता का, बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और प्रथमानियों ग्रंथ के स्वाध्याय करने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके द्वारा प्रवचन सुनने का, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का, बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का, बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रसोई में राई का, और आने वालों में मुंबई का, बड़ा ही महत्व है। गंजवासु का, करने में सौदा का, घर में दादा का, और आने वालों में गंज वासौदा का, बड़ा ही महत्व है। अलवर, बारात में वर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में अलवर का, बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का, भोपाल, भोपाल, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का, बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में बड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, तरेंचा में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, डूंगरपुर जयपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में डूंगरपुर और जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। पदमपुरा, रहने के लिए धारा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में पदमपुरा का, बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। बहुत ही एक पदमपुरा के इतिहास में एक ऐसा आशीर्वाद माताजी का मिला है
बहुत दिनों से जिस चीज की सोच चल रही थी, पदमपुरा में खड़गासन प्रतिमा के सामने 24 भगवान की प्रतिमाओं की 24 वेदी खड़गासन प्रतिमाओं के साथ लगाने का एक माताजी के आशीर्वाद से, माताजी के सानिध्य में पदमपुरा कमेटी ने इस बात पे विचार करके यह निर्णय लिया है। मैं पारस चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में जो भी मेरे वाणी इस समय सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक ऐसा अवसर है जो चूक गए तो दुनिया में दोबारा आपको नहीं मिलेगा। यह मौका, यह पुण्य अर्चन करने का मौका नहीं मिलेगा। दिनांक 14/2/2022 सोमवार सुबह 8:30 बजे से 24 का शिलान्यास माताजी के सानिध्य में भगवान पद्म प्रभु की कृपा से संपन्न होने जा रहा है। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, जो भी सुन रहे हैं अवश्य पधारें, और अगर भाव बनते हैं तो समय नहीं है, आपके भाव बनते हैं तो वेदी प्रतिमा के लिए आप तत्काल प्रभाव से कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, जिनके नंबर पारस चैनल पे भी आज से चालू हो जाएंगे, उनके पास आप फोन कर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। केवल आप ये सोचते हैं कि प्रतिमा या वेदी आप स्थापित करें तो ही पुण्यार्जन होगा, ऐसा नहीं है। जो उस समय इस बहुत ही शुभ कार्य के अंदर स्वयं उपस्थित होंगे उनके लिए एक और भी मौका है। आप भी इस पुण्य के, इस अवसर के दर्शक और भागी तो होंगे ही, लेकिन आप सबको और एक अवसर फिर पुण्य अर्जन करने का है। निर्माण के दौरान में लगने वाली रत्न, स्वर्ण, रजत और कांस्य शिलाएं लगाकर आप ये बहुत बड़ा पुण्यार्जन, भगवान की प्रतिमा उस जिसके ऊपर विराजमान होगी वो शिलाएं लगाकर आपका परिवार पुण्यार्जन अर्जित कर सकता है। ये एक ऐसा मौका है जो चूक गए फिर नहीं आएगा। एक मंदिर बनाने वाला, उसके बाद में उसका एक दर्शक और उसके अंदर जो ईंट लगाने वाला है, वो तीनों ही वो परिवार बहुत ही सौभाग्यवान होंगे, क्योंकि तीनों का समान आपको पुण्य मिलने वाला है। इसके पश्चात दिनांक 20/2/22 इतवार के दिन, ये एक सुनहरा अवसर आया है जब माताजी पद्मपुरा में विराजमान है और उस समय भगवान पद्म प्रभु का मोक्ष कल्याणक दिवस है। दो वर्ष से जो भव्य कार्यक्रम होने जा रहे थे वो कोरोना की वजह से रुके हुए थे, लेकिन अब एक फिर अवसर आपको मिला है। 20 फरवरी को सुबह प्रातः काल नियमित शांति धारा अभिषेक के बाद पूजन होगी और उसके बाद निर्वाण लड्डू भगवान पद्म प्रभु और सब वेदियों के अंदर चढ़ाए जाएंगे। आप इसमें पधारें, पुण्य अर्जित करें। इसके पश्चात एक भव्य द्वार बना है दक्षिण की ओर रोड साइड पे, इसका माताजी के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में निर्माता द्वारा लोकार्पण किया जाएगा, इसके भी आप साक्षी बने, आपका सौभाग्य होगा। उसके पश्चात बड़ी जो खड़गासन प्रतिमा है उस पर नियमित हर वर्ष मोक्ष कल्याण पर होने वाले पंचामृत अभिषेक होंगे। ये एक ऐसा अवसर है जब एक ही बार वर्ष में आपको पंचामृत का अवसर मिलता है, आप इसका लाभ उठाएं, आप करें, दर्शक बने,
साक्षी बने और पदमपुरा के दर्शन पूरे परिवार के साथ करें, यह हमारी सबकी भावना भी है, आपके परिवार का पुण्य भी है, सर आपको मिलेगा। तो भगवान पदम प्रभु का कृपा आशीर्वाद और माता जी का आशीर्वाद लेने सब पधारें, हमारी सबके भावनाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक अद्वितीय जिनालय का द्वितीय वार्षिक उत्सव आने वाली 7 फरवरी 2022 स्वस्थ धाम जहाजपुर में आयोजित हो रहा है, परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। बंधुओं, स्वस्थी धाम जहाज मंदिर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वर नाथ भगवान को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस उपलक्ष में अतिशयकारी जिनबिंब जिनके मस्तक पर देवकृत अभिषेक होता है उनके मस्तक पर आचार्य श्री के पावन सानिध्य में महामस्तकाभिषेक, महाशांति धारा और विश्व के इतिहास में, जैन समाज के इतिहास में पहली बार वर्तमान 24 का 24 पुण्यार्जक परिवारों के द्वारा 24 शांति धारा आप देख रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर 24 की रचना यहां पर हुई है और इसमें प्रथम बार 24 पुण्यार्जक परिवारों के द्वारा 24 शांति धारा होगी। एक पुण्यार्जक परिवार की न्योछावर राशि मात्र 11,000 रुपए है। पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग पारस चैनल पर दिखाई जाएगी। तो बंधुओं, सौभाग्य आपको बुला रहा है, आप यहां पर आए। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार का नाम उस दिन शांति धारा में लिखवा सकते हैं। बड़े माँ बाप के मस्तक पे शांति धारा होगी, उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा। साथ ही जो 24 में शांति धारा होगी उसमें आप पुण्यार्जक बनकर के पुण्य कमा सकते हैं। आप अपनी स्वीकृति 9782063107 इन नंबरों पे दे सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।